मार्थे कोहन 98 साल की हैं और यहूदी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहूदी हूं या नहीं, मैंने इंसान होने के नाते ये किया, ये करना मेरी ड्यूटी थी। As a human being, it was my duty to do. मार्थे को फ्रांस की सैन्य खुफिया सेवा में भर्ती किया गया क्योंकि उनकी जर्मन बहुत अच्छी थी। उन्हें कोड नाम दिया गया मार्था उल्रिश और वो नाजियों की जासूसी करने फ्रांस से जर्मनी में दाखिल हुई, शांत लेकिन हर हालात के लिए तैयार। मैंने तो गोली खाकर आत्महत्या कर ली होती। टॉर्चर सहने से ये बेहतर है क्योंकि बचने वाली तो मैं तब भी नहीं थी, वे मुझे मार देते। उन्होंने जर्मन सीमा से अहम खुफिया जानकारी जुटाई। उनके मंगेतर भी फौजी थे और मार्थे की प्रेरणा भी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर गोली मार दी गई। मार्थे की बहन भी आउशविट्स के नाजी यातना कैंप में मारी गईं। वो 21 साल की थी जब उसे डिपोर्ट किया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद मार्थे का हौसला कमजोर नहीं पड़ा, वो अपने मिशन पर जुटी रहीं। लेकिन वो बच कैसे पाईं? इच्छा शक्ति, मुझ में बहुत इच्छा शक्ति है। मार्थे और उनके मेजर पति अब जगह जगह जाते हैं और अपनी कहानी लोगों को बताते हैं। आपको लोगों को याद दिलाना है कि क्या हुआ था, ताकि वो दोबारा ना हो। लेकिन देखिए, दुनिया भर में नरसंहार हो रहे हैं, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मार्थे के लिए जिंदगी का मंत्र है उम्मीद। मैं हमेशा अच्छा पहलू देखती हूँ, बुरा नहीं। मेरे पति इससे पागल हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अब क्या होगा, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, और मैं उनसे कहती हूँ चिंता मत करो, मैं रास्ता निकालती हूँ, और रास्ता मिल जाता है।